गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम आपसे कनेक्ट हुए हैं विद्याविहार स्कूल के यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और जैसा कि हम लास्ट वीडियोस में एक्सरसाइज 5F डिवीज़न का चैप्टर 5 से कंप्लीट कर चुके हैं, और आज हम आपके साथ 5G को शेयर करने वाले, जैसा कि मैंने बोर्ड पर मेंशन किया है। ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है, लेकिन आपको पूरा काम करना है ना। तो डिवाइड द फॉलोइंग लिखा हुआ है, डिवाइड द फॉलोइंग और जैसे उसके क्वेश्चंस हैं, ए 80 में डिवाइड कर रहे हैं 10 का, तो उन्हें यहाँ पर क्यू यानी इक्विटेंट कितना आएगा वो लिखना है, और यहाँ आर कितना आएगा वो लिखना, यानी रिमाइंडर और क्यूटीएंड लिखने हैं। ए हो गया, यहाँ सी ले लीजिए 43 डिवाइड बाय 10, उसमें भी ऐसे ही ऐसी डंडी बनी हुई है। उसके बाद अपन ले लेते हैं ई, ले लेते हैं 400 डिवाइड बाय फिर 10 है, फिर ऐसे दो डंडी लगी हुई है। फिर जी ले लेते हैं, उसमें 799 डिवाइड बाय 10 इक्वल देन क्यू टी एंड रिमाइंडर की लाइन। और एक और ले लेते हैं आई, जो कि है 565 डिवाइड बाय 10 इक्वल देन, ठीक है, उतार लिया। अब सीधी सी बात है, डिवाइड करना है। अगर आपको ऐसे आता है कि देखिए इसके पीछे जीरो लगा, इसके पीछे जीरो लगा, जीरो से जीरो ख़त्म हो गया और वन का डिवाइड एट में गया तो एट बार गया और रिमाइंडर क्या बच रहा है, कुछ नहीं। ऐसे नहीं आया, आपको डिवीज़न मेथड आता है, आप तो सीधा डिवाइड करे आओ भाई कि 10 का हमने 80 में डिवाइड करना है। ऐसे परफॉर्मर बनाया, ऐसे लिख दिया, वैल्यू पुट करी, अब 10 8 80 है ना, क्या आया क्यू टी एंड कितना आया 8 और रिमाइंडर कितना आया इसमें, कुछ नहीं। ओके, अब हम ये देखते हैं ये वाला, तो 43 है डिवाइड आप कर रहे हैं 10 का, 10 4 43, क्या हम कुछ कर सकते हैं इसमें, बिल्कुल नहीं। तो क्यू टी एंड कितना आ गया 4 और रिमाइंडर 3। ऐसे ये 3 डिजिट वाला है, 10 का कर रहे हैं 400 में। ओके, तो 10 4 जा, ये 40 पूरा ख़त्म हो गया, ये 0 बचा, तो अभी 0 बचा हुआ, तो इसकी 0 ये अपन ने यहाँ लगा दी, तो क्या आया ये 40 टाइम्स डिवाइड हो रहा है क्यू टी एंड, या और रिमाइंडर जो है वो 0 यानी 0 है। अब 799 में कर रहे हैं 799 डिवाइड बाय 10, तो ये पहले हमने देखा ये 2 डिजिट देखेंगे, ये कितना है 79, 10 8 80 हम करके आए वो ज़्यादा हो जाएगा है ना 1, तो 7 टाइम ही टेबल को पढ़ेंगे, 10 7 70, तो ये 79 में से 70 गया तो 9 बचा, यहाँ क्रॉस कर दिया। अब ये 9 नीचे आए होंगे, ये 99 हो गया, अगर एक और ज़्यादा होता तो हम 10 10 100 कर देते, लेकिन कितना है 99, तो 9 टाइम ही टेबल पढ़ पाएंगे, 10 9 90, तो ये 9 रिमाइंडर बचा और 79 क्यू टी एंड आ गया, 79 यहाँ लिख दिया और रिमाइंडर जो बचा 9 वो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार से इसको किया, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, 10 का कर रहे हैं 5 6 5 में, ये रबर में रहेगा आपका, तो ये 56 है, तो 10 5 50 एंड 6 रिमाइंडर बचा अभी फिलहाल, और ये 5 नीचे आए 65 हो गया, और 10 6 60 एंड 5 इसमें किया तो 56, तो क्यू टी एंड यानी इतने टाइम ये गया है, इसके जाने के बाद भी 5
रिमाइंडर बच रहा है तो ये हमने रिमाइंडर 5 लिख दिया। इस प्रकार से इसके मैंने ये 5 या 6 क्वेश्चन ऑन बोर्ड अभी 3, 2, 5 करा दिए हैं और आगे देखता हूँ। हाँ, इसके जो 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आपके वर्क का है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमको ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करनी है और 5G पूरी तरीके से कंप्लीट है आपके सामने ऑन बोर्ड। जल्द मिलेंगे आपको 5H एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में।